हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीरज नॉलेज। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 23 से 24 हो या 22 से 23 हो, उसका पैसा कब आने वाला है। ठीक है, इस चीज पे हम आज बात करने वाले हैं। तो मैं अभी आ चुका हूं पीएमएस के वेबसाइट पे, यानी कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के वेबसाइट पे हम आ चुके हैं। आपको यहाँ पे आने के लिए आपको अपने क्रोम ब्राउजर या अपने फ़ोन के ब्राउजर में सर्च करना होगा pmsonline.bihar.nic.in। जब सर्च करिएगा तो आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको तीन तरह के लिंक देखने को मिलेगा। तो पहला तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा BC और EBC, 22 से 23 हो चाहे 23 से 24 हो। ठीक है, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर SC ST के लिए 22 से 23 या 23 से 24 के लिए, यहाँ पे क्लिक करके जा सकते हो। कहाँ जाना है वो हम आपको बताएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि 19 20 और 20 21 21 22 का ओनली लिए है ना, ये मेरे भाई है। ठीक है, तीन तरह के लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। जो BC EBC इस पर क्लिक करिएगा तो आप अपना यूजर आईडी से और लॉग इन कर सकते हैं, पासवर्ड से, यूजर आईडी या पासवर्ड से लॉग इन कर सकते हैं। BC EBC वाले के लिए है और SC ST वाले के लिए है। जिसका पेमेंट अभी एप्लीकेशन है बिन फॉरवर्ड कुछ करके लिख रहा है, उसका क्या कंडीशन, उसका कब पैसा आएगा, वो भी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर जो BC EBC होगा तो इस पर क्लिक करेगा, जो SC ST वाले से होगा जो इस पर क्लिक करेगा। ठीक, खैर BC EBC वाले अब जो भी हो वहाँ पर क्लिक करिएगा। जब आप क्लिक कर लीजिएगा ना तो थोड़ा देर वेट करिएगा, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस। तो यहाँ से आप कर सकते हैं स्टूडेंट लॉगिन वाले पे क्लिक करिएगा। ठीक है, स्टूडेंट लॉगिन वाले पे क्लिक करके आप लॉगिन कर लीजिए। ठीक है, अब उसके बाद स्टूडेंट लॉगिन वाले पे क्लिक करिएगा तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। तो आपको इस पर क्लिक नहीं करना क्योंकि ये अभी बंद क्लोज है अभी। तो आपको लॉगिन फॉर एलरेडी रजिस्टर पर क्लिक कर देना। ठीक, यहाँ से अपना यूजर आईडी और पासवर्ड दे करके लॉग इन करना। उसके बाद आपको जो रिफ्रेश आईडी देखने को मिल रहा है यहाँ पे वो आपको दे देना है। ठीक है, यहाँ पे हम फिलहाल दे रहे हैं तो है जो भी आया होगा वो आप दे दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे लॉग इन BC EBC वाले पे क्लिक कर लीजिएगा। अगर आप इतना जानते हैं तो थोड़ा वीडियो को आप स्किप भी कर सकते हैं, थोड़ा पूरा स्किप करिएगा तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कब पैसा आने वाला है कब नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको इस तरह का देखने को मिलेगा। तो आप थोड़ा ऊपर की ओर स्क्रॉल करिएगा इस तरह से। जब स्क्रॉल करिएगा तो आपको देखने को मिलेगा एकेडमिक ईयर 23 से 24 वाला, और अपने जितना भी फॉर्म भरा होगा उसके लिए दिखा दें एकेडमिक 22 से 23 वाले के लिए। तो ये 22 से 23 वाले को देखिए कि यहाँ पर और पर्सनल डिटेल डन है, फोटो स्टेटस डन है, डॉक्यूमेंट स्टेटस डन है, बाय फाइनलाइजेशन स्टेटस डन है, मतलब कि सारा चीज़ का डन है। और इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन स्टेटस भी यहाँ पे अप्रूव है, यहाँ पे फिजिकल कमिटी स्टेटस भी अप्रूव्ड दिखा रहा है, और इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट मेगर भी अप्रूव्ड है। ये सारा क्या है, अप्रूव्ड है। तो आपको ये भी अप्रूव्ड होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पेमेंट स्टेटस एप्लीकेशन हैज़ बीन फॉरवर्ड टू डिपार्टमेंट फॉर पेमेंट। और यहाँ पर देख सकते हैं कि 22 से 23 वाले जो है उसका सिर्फ पर्सनल डिटेल डन है, फोटो स्टेटस डन है, और डॉक्यूमेंट स्टेटस डन है, फाइनलाइज स्टेटस डन है, लेकिन यहाँ पर इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन स्टेटस पेंडिंग दिखा रही है। सारा क्या है, पेंडिंग है। तो इसका तो पैसा खैर अभी आने वाला है नहीं, और यानी कि जो 23 से 24 वाला है इसका पैसा खैर अभी नहीं आने वाला है। ठीक है, और यहाँ पर जो 22 से 23 वाला के सारा चीज़ अप्रूव है उसी का पैसा आएगा। यानी कि यू कह सकते हैं कि जिसका ये भी सारा चीज़ अप्रूव रहेगा ना उसी का पैसा आने वाला है। और साथ में आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा एप्लीकेशन हैज़ बीन फॉरवर्ड टू डिपार्टमेंट फॉर पेमेंट। तो इसका पैसा कब आएगा, जिसमें ये दिखा रहा है कि एप्लीकेशन हैज़ बीन फॉरवर्ड टू डिपार्टमेंट फॉर पेमेंट। तो इसके लिए हम आपको अति दिखाते हैं एक, देखिए यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा कि छात्रवृत्ति का 15 दिन में भुगतान करें मंत्री, यानी कि 15 दिन के अंदर में आपको पैसा दे देना है मंत्री को। ठीक है, यानी कि मंत्री वाला आपको पैसा देगा। ठीक है,
तो देखिए 15 दिन का जिसका भी एप्लीकेशन है, बिन जो लिख रहा है उसका 15 दिन में आ जाएगा तो आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पटना पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री हरी सहनी ने खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों के पदाधिकारियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के 1,17,331 आवेदकों को 15 दिनों में भुगतान का निर्देश दिया। बुधवार को मंत्री ने सांख्यिकी निदेशालय सभागार में राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिया। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि राज्य में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 2023-24 में कुल 4,21,263 आवेदकों के विरुद्ध 1,24,342 आवेदन स्वीकृति किए गए हैं। शेष आवेदकों को भी स्वीकृति के बाद भुगतान करने को कहा गया है। इस योजना के लिए 134.50 करोड़ मंजूरी हुए थे, यानी कि 15 दिन के अंदर में आपको पैसा दे देना है, ठीक है। चाहे यहाँ पर सिर्फ 23 से 24 वाला दिखा रहा है ना, तो 22 से 23 वाला भी होगा ना, उसका भी पैसा आ जाएगा 15 दिन के अंदर में, ठीक है। आपको अगर इस तरह का देखने को मिल रहा है कि एप्लीकेशन हैज बीन फॉरवर्ड टू डिपार्टमेंट फॉर पेमेंट, तो उसका पेमेंट 15 से 20 दिन के अंदर में आ जाना है तो आ जाना, क्योंकि उसका नोटिफिकेशन आया है 15 दिन के अंदर में दे देना है, लेकिन आपको उससे ज़्यादा समय लगता है, लग सकता है 20 दिन के अंदर में आपको आपके बैंक में पैसा आ जाएगा। या तो आप यहाँ से चेक करते रहिएगा हमेशा, कभी कभी 1-2 दिन पर चेक करते रहिएगा कि आपका पैसा पेमेंट स्टेटस सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ, तो जल्द ही ये आ जाएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ये थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अगर लंबा नहीं होता ना तो आपको समझ में ही नहीं आता पूरा डिटेल, तो इस वीडियो में मैंने पूरा डिटेल समझाया है आपको। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे बताइएगा कमेंट में, और आप ये भी बताइएगा किसका किसका पैसा अभी तक आ गया है वो अपना कमेंट में बताइएगा कि मेरा पैसा आया है चाहे नहीं आया। तो जो भी समस्या होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।